तरह की भीड़ काला आप देख सकते हैं यहाँ पे। इतनी भीड़ तो कुंभ मेले में नहीं दिखी जितनी आज है। सच में क्या नज़ारा है। हर डायरेक्शन से लोग आ रहे हैं। इतनी भीड़ को कंट्रोल करना भी बहुत बड़ी बात है अपने आप में। शोर शराबा सुन सकते हैं। ये है देखिए ताकत एयरफोर्स की कि आज पूरा प्रयागराज यहाँ पे है। और ये क्रेज इतना ज़्यादा है प्रयागराज वालों को कि सारा शहर संडे होने की वजह से आज पूरा शहर यहीं पे आ गया है। भीड़ देख सकते हैं, भीड़ का आलम देखिए आप लोग। ये देखिए मेरे पीछे इतनी सारी भीड़ कहाँ से आ गई कुछ पता नहीं। बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। इतनी गर्मी है फिर भी किसी को गर्मी की कोई परवाह नहीं। इतनी ज़्यादा भीड़ समझ लीजिए, बस लोग आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं। और इतनी तो कभी कुंभ में भी भीड़ नहीं थी जितनी कि हमने आज देखी है। सच में बहुत भीड़ है पूरा प्रयागराज। बाप रे बाप कहाँ से आ गया है। सारे लोग संडे होने के सारे लोग आए थे आज इस एयरफोर्स को देखने के लिए। और ये शो लोगों के दिमाग पर इस कदर हावी था कि लोगों ने धूप की परवाह नहीं की, लोगों ने गर्मी की परवाह नहीं की, बस आते जा रहे थे। मंदिर में शो के दौरान इतने शोर शराबे से आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितनी लाखों की भीड़ रही होगी और किस तरह से लोग शोर मचा रहे थे। जैसे ही कोई भी ऊपर से फाइटर प्लेन निकलता था तो इस कदर शोर होता था। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत जो नारे लग रहे थे। और सच में ये वाकई में सिर्फ प्रयागराज के ही लोग हैं या बाहर से भी लोग आए हैं नहीं पता, लेकिन बहुत भीड़ है सच में। देखिए चारों तरफ हमें दिखा रहे हैं आप लोगों को भीड़ का नज़ारा। देखिए किस कदर भीड़ है। और आते समय तो ये था कि सारी व्यवस्था बहुत अच्छी थी, लोग धीरे धीरे एक के पीछे एक चले आ रहे थे। अब यही देखना है कि जाते समय इस भीड़ का क्या दृश्य होगा और वो भी हम ज़रूर आप लोग को दिखाएंगे कि जब लोग वापस जा रहे होंगे उस समय क्या नज़ारा होगा यहाँ का। और इतनी ज़्यादा धूल उड़ रही है हर तरफ कि क्योंकि इतनी भीड़ होने के बावजूद जितने लोग चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, उतनी ही धूल उड़ रही है। तो संगम के समय धूल ही धूल है। धूल जैसे देख सकते हैं आप लोग कितना धुंधलापन सा आ गया है। और जिसको जहाँ जगह मिल रही है वो वहीं खड़ा हो जा रहा है, कई बल्लियाँ लगी बल्लियों पे खड़ा हो जा रहा है। तो बस सबको ये है कि हमको किसी तरह से बिल्कुल करीब से देखना है।
देखिए एयरफोर्स शो का क्रेज जो है वो लोगों को यहाँ तक खींच के लाया है। और अगर आप लोग प्रयागराज में यहाँ से देख रहे हैं या आप लोग बाहर से देख रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या ये जो इतनी भीड़ दिख रही है क्या ये ही प्रयागराज की है या यहाँ बाहर से भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, क्योंकि मैंने तो इतनी भीड़ आज के पहले कभी भी नहीं देखी प्रयागराज में। इतनी बार मैं कुंभ में भी गई जब मेला लगता है और माघ मेले में भी गए, लेकिन कभी भी हमने इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं देखी जितनी कि आज हमें यहाँ देखने को मिली है। तो ये मेरे लिए बड़े एक कहना चाहिए कि जो मैंने ये भीड़ देखी है बहुत आश्चर्य मुझे हो रहा था कि इतनी पब्लिक आ कहाँ से गई है। तो आप लोग भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आज से पहले क्या आप लोगों ने भी इतनी भीड़ यहाँ पे देखी कभी कुंभ मेले में या माघ मेले में। देखिए एयर शो ख़त्म हो गया है और अब सब लोग खड़े होकर एक बार सोच रहे हैं कि अब कैसे निकला जाए किधर से निकला जाए, क्योंकि निकलने के समय तो भीड़ एकदम से निकलना चाह रही है, सभी चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम बाहर निकल जाएं। और सारे लोग जिसको जिधर से रास्ता मिल रहा है वो उधर से जा रहा है, सब एक के पीछे एक चले जा रहे हैं। तो इस समय यहाँ का माहौल आप देखिए कैसा गर्म माहौल है, एक तो सूरज की गर्मी इतनी भयानक गर्मी और ऊपर से इतनी सारी पब्लिक, तो बहुत ही ज़्यादा गर्म माहौल है इस समय यहाँ पर संगम क्षेत्र का। और देखिए सारे लोग खड़े सोचें कि थोड़ी सी भीड़ कम हो जाए तो निकले या अभी साथ में ही निकल चलें, क्योंकि जो बस भीड़ चल रही है लोग उसके पीछे चले जा रहे हैं। तो ये देखिए कभी आपने देखी थी क्या इस तरह से भीड़, इतनी रैलियां देखी इतनी जगहों पे कुंभ लगता है देखा, लेकिन हमने इतना भीड़ नहीं देखा था, सिर्फ सिरे सिर नज़र आ रहा है, चारों तरफ देखिए खाली सिरे सिर नज़र आ रहा है। और ऐसी आवाज़ इतनी शोर इस तरह की आवाज़ आ रही जैसे किसी ने मधुमक्खी के छत्ते में ढेला मार दिया, तो खाली बुन 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 सुनाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे शासन प्रशासन की जो व्यवस्था थी भीड़ को देखते हुए यहाँ पे हर इमरजेंसी व्यवस्था थी, एम्बुलेंस वगैरह भी थी, लेकिन आज की सबसे ख़ास बात ये थी कि इतनी भीड़ इतनी गर्मी सबको होने के बावजूद लोग इतने जोश में थे, ना किसी को प्यास लग रही थी ना किसी को भूख लग रही थी और ना ही कोई गर्मी के मारे बेहोश हुआ। तो आज यहाँ की सबसे विशेष और ख़ास बात यही थी। के संगम क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद जब ऊपर लोग आए हैं पुल पे शास्त्री पुल पे हम निकल के आए तो यहाँ पे भी देखा हमने बिल्कुल जाम जैसी स्थिति थी, और लगभग ये जाम बिल्कुल 1.5 घंटे तक लगा रहा और कैसे धीरे धीरे करके लोग निकले। लेकिन हाँ पुलिस की व्यवस्था अच्छी थी, उन्होंने किस तरह से यहाँ पर लोगों को निकाला और किस तरह से जाम को ख़त्म किया ये बहुत अच्छा था, और कोई भी अनहोनी नहीं हुई कोई भी घटना नहीं हुई, सब कुछ बहुत ईजिली यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ है। तो आज का प्रोग्राम काफ़ी अच्छा रहा और प्रयागराज में इतनी संख्या में भीड़ जो थी लोग परेशानी के बावजूद लोग यहाँ पे शो देखने के लिए आए, देखिए जाम में लोग खड़े हैं लेकिन यह कि लोग शांति बनाए हुए हैं, तो ये चीज़ बहुत अच्छी थी। अगर आज का मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारी नोटिफिकेशंस आप लोग को मेरे वीडियोज़ की मिलती रहे। और मुझे कमेंट्स करके अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल को दीजिए ताकि हम और भी नए नए वीडियोज़ आप लोग के सामने ला सकें।